गेमर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, 10 साल बाद लौटा ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। GTA 6 रॉकस्टार गेम्स ने मंगलवार को GTA 6 का पहला लघु ट्रेलर जारी किया है, जो मुख्य ग्रैंड थेफ्ट ऑटो श्रृंखला की नवीनतम किश्त है। GTA 6 जिसे अगले साल का सबसे बड़ा एक्शन एडवेंचर गेम माना जा रहा है, 2013 की मेगा हिट GTA V की अगली कड़ी है, जो माइनक्राफ्ट के बाद अब तक का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला वीडियो गेम बन गया है। वाइस सिटी में सेट श्रृंखला का मियामी पर काल्पनिक रूप। ट्रेलर में मुख्य रूप से एक महिला नायक लूसिया को दिखाया गया है, जो अपने साथी के साथ अपराध की होड़ में निकलती दिखाई देती है, जबकि रॉकस्टार गेम्स ने कथानक या कहानी का खुलासा नहीं किया है। ट्रेलर में गाना टॉम पेटी का लॉन्ग इज ए लॉन्ग रोड है। रॉकस्टार गेम्स द्वारा ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 को रिलीज हुए 10 साल हो गए हैं और तब से प्रशंसक इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उस गेम की 185 मिलियन प्रतियां बिकी। रॉकस्टार गेम्स के संस्थापक सैम हाउसर ने एक बयान में कहा कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो VI अत्यधिक गहन कहानी संचालित खुली दुनिया के अनुभवों में जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने के हमारे प्रयासों को जारी रखता है। हम हर जगह के खिलाड़ियों के साथ इस नए दृष्टिकोण को साझा करने में सक्षम होने के लिए रोमांचित हैं। रॉकस्टार गेम्स ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि वह 2022 की शुरुआत में ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 पर काम कर रहा था। GTA 6 ट्रेलर का लॉन्च कंपनी की 25वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। अनुमान है कि GTA 6 को स्प्रिंग 2025 में रिलीज किया जा सकता है। जैसा कि टेक टू ने कहा है कि नया GTA 6 गेम सोनी प्लेस्टेशन 5 और माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और सीरीज एस कंसोल पर आएगा। ये देखते हुए कि डेवलपर ने किसी अन्य प्लेटफॉर्म का कोई उल्लेख नहीं किया है, ऐसा प्रतीत होता है कि GTA 6 कम से कम लॉन्च के समय PC को छोड़ सकता है।